सत श्री अकाल। तुसीं दा अनम्यूट देख रहे हो तो मैं हाँ रवि संग्राहुर। तीन खेती कानून जदों होंद दे विच आ रहे सी तां किसान जथेबंदियां नूं पिणक लग जांदी है। किसान जथेबंदियां हरकत दे विच आउंदियां ने, पंजाब दीआं पोलिटिकल पार्टियां नूं मिलना गिलना शुरू हो जांदा है। पोलिटिकल पार्टियां कोई बहुता इस दे विच रोल अदा नहीं करदियां तां किसान जथेबंदियां अपने पद्धर ते मीटिंगां करदियां ने। फिर अपने पद्धर तो उठ के पंजाब दे विच 32 किसान जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म ते कट्टियां हो जांदियां। इन्हां 32 किसान जथेबंदियां तो बाद देश दीआं जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां उन्हां दे नाल संपर्क साध्या जांदा है, एक सांझी कमेटी बनती है। उस सांझी कमेटी दे विचों संयुक्त किसान मोर्चा निकलदा है, मोर्चे दे वल्लों कॉल दित्ती जांदी है और दिल्ली दे विच धरना लगदा है, अंदोलन चलदा है। अंदोलन सवा साल चलदा है, बहुत नुकसान इस अंदोलन दे विच किसानां दा हुंदा है, जाना जांदियां ने और कई बार उन्हां दीआं उन्हां रिहायशां ते अग लगदी और होर भी तमाम बहुत सारे अजिहे जिहड़े नुकसान हुंदे रहे। अंदोलन की जित हुंदी है, अंदोलन की जित इस चीज़ ते हुंदी है कि तीन खेती कानून रद्द कर दिते गए ने। MSP दी कानूनी गरंटी दे लई हुण एक कमेटी होंद दे विच आएगी, जिस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे कुछ लीडर ने जिहड़े ओह वी उस दे मैंबर होणगे। इस तों बिना जिन्ने भी किसानां ते मामले दर्ज होए ओह मामले रद्द कर दिते जाणगे, चाहे ओह केंद्र सरकार दे पद्धर ते होण ते जां फिर सेंटर जो स्टेट सरकार है उस दे एंड ते होण। इह तों बिना लखीमपुर खीरी दे विच वड्डा मामला जिहड़ा वापरदा है, वड्डी घटना वापरदी है, उस मामले दे विच केंद्रीय गृह राज मंत्री जिहड़े ने मिश्रा उन्हां ते मामला दर्ज हुंदा, उन्हां दे पुत्तर ते मामला दर्ज हुंदा, जानी इस मामले ते भी सहमति बनदी है कि उन्हां ते एक उन्हां नूं सस्पेंड कीता जाएगा उन्हां दे अहुदे तों और जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सजावां दित्तियां जाणगियां। जानी इत्थों तक जदों कहानी समझ आउंदी है तां अंदोलन खत्म हो गया, सारियां दा सारियां मंगां मन्नियां गईयां और केंद्र सरकार चुक गई है। पर हुण असीं जिस जगह ते खड़े हां इत्थे फिर एक बार किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हो रही है। असीं चंडीगढ़ दे किसान भवन दे विच खड़े हाँ और उही किसान भवन जिथे बहुत वड्डियां मीटिंगां इस तों पहलां भी हुंदियां सी अंदोलन तों पहलां। हुणे मीटिंगां दा सिलसिला की है, इन्हां मीटिंगां दी वजह की है, वह भी तुहानूं दसदे हां। तीन खेती कानून रद्द हो गए, बिल्कुल क्लीयर है वह एक साइड ते। इस तों पिछे जिन्नियां भी मैं पहलां मंगां गिणाईयां जिन्हां दे विच MSP ते कमेटी बनेगी, लखीमपुर खीरी दा मामला सी और किसानां ते दर्ज मामले सी, आ तीन चीज़ां हाले तक केंद्र दे वल्लों मन्नियां नहीं गईयां। तां इन्हां नूं मनवाउण दे लई, मन्नियां मंगां नूं लागू करवाउण दे लई एक बार फिर तो मीटिंगां दा सिलसिला शुरू होया। हुण इस मीटिंग दे विच जिथे खुले तौर ते सद्दा दित्ता गया सी कि पंजाब दीआं सारीआं किसान जथेबंदियां पहुंचण, उन्हां दे विच कुछ जथेबंदियां हाले भी एबसेंट ने। खास तौर पर जेकर बलबीर सिंह राजेवाल होरां दी गल करिए तां बलबीर सिंह राजेवाल अपनी एक पार्टी बनाउंदे ने संयुक्त समाज मोर्चा, जिस दे विच कुछ किसान जथेबंदियां उन्हां दा साथ दिंदियां ने और साथ देण तों बाद जिवें जिवें हालात बदलदे उन्हां दे वल्लों अपना समर्थन वापस लै लिया जांदा है, चाहे उह रुलदू सिंह मानसा होरां दी गल होवे, भारतीय किसान यूनियन कादियां दी गल होवे। कादियां दे कुछ जिहड़े लीडर सी उह कई थावां ते जो चोण भी लड़े पर रुलदू सिंह मानसा होरां दे वल्लों अपने कैंडीडेट वापस लै लए गए सी। हुण इस मीटिंग दे विच रुलदू सिंह मानसा भी है, बूटा सिंह जो बुरज गिल है वह भी हैगे ने और इस तरह के नाल बलबीर सिंह राजेवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा है और इस वेले मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग दे विच फैसला होएगा कि इन्हां मन्नियां होईयां तीन मंगां नूं लैके अगला प्लैन की होवे। हुण प्लैन तां किसान जथेबंदियां बनाउणगियां, उस तों बाद एक जिहड़ा मंग पत्र है वह पंजाब के राज्यपाल दे राही राष्ट्रपति दे नाम भेजा जाएगा, बाद दोपहर राज्यपाल साहब होरां नूं मिलिया जाएगा। किसान जथेबंदियां दे वल्लों किसान आगू जाणगे, उन्हां नूं मंग पत्र देणगे ताकि राष्ट्रपति साहब दे तक भेजा जाए कि जिहड़ियां मन्नियां होईयां मंगां ने उन्हां नूं लागू किया जाए, जानी सारे मामले रद्द किए जाण। लखीमपुर खीरी का मामला इस तरह के नाल कमेटी बने, पर जिस तरह के हालात बन गए, पोलिटिकल पार्टियां बन गईयां किसान जथेबंदियां, कुछ किसान जथेबंदियां पंजाब दे विच विधानसभा चोणां लड़दियां ने, उही लीडर जिहड़े ने अज्ज इस मीटिंग दे विच बैठे आ। फिर हुण उदों बहुत वड्डा असर जिहड़ा ओह केंद्र सरकार ते रहा क्योंकि न्यूट्रल सी,
ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।